पूरे देश में भाई बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन आ गया है, लेकिन रक्षाबंधन के पर्व को लेकर थोड़ी दुविधा भी है कि इसे कब मनाया जाए। कई जगहों पर लोग 11 अगस्त तो कई जगहों पर 12 अगस्त को मना रहे हैं, लेकिन पंडित जी इस पर क्या कह रहे हैं और रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब है, आइए उन्हीं से सुनते हैं। से करबद्ध प्रार्थना है कि सभी सनातनी 11 अगस्त को श्रवण नक्षत्र में, आयुष्मान योग में और पूर्ण पूर्णिमा व्याप्त में आप सभी रक्षाबंधन का पावन पर्व त्योहार को मनाएं। और जो बता रहे हैं कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा है, तो मकरस्थ चंद्र होने के कारण भद्रा पाताल लोक में होता है। और हम लोग रहते कहाँ है उनसे पूछिएगा, जो 12 तारीख को बता रहे हैं कि भाई अगर भद्रा है तो पाताल लोक में है, मकर में चंद्रमा होने के कारण पाताल लोक में भद्रा होते हैं। और पाताल लोक में होने के कारण कोई भी अशुभ फल मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में किसी भी प्राणी के ऊपर नहीं होता, इसलिए। और दूसरा, जो धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के अनुसार जो श्लोक बता रहे हैं उसके आगे वाला भी श्लोक को पढ़े, पूर्णिमा में पूर्णिमा प्रतिपदा युक्त में रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। और 12 तारीख को प्रातः मात्र 7:16 तक पूर्णिमा है, इसलिए 11 अगस्त को 9:16 से लेकर के प्रारंभ हो जाएगी पूर्णिमा और अगले 7:16 तक 12 तारीख को रहेगा। तो आप सभी लोग 11 अगस्त को श्रवण नक्षत्र में शुभ योग में आप सभी प्रातः 10:17 से लेकर के शाम को 6:53 तक, और उसके बाद भी अगर नहीं आप राखी बंधवा पाए हैं तो रात्रि 8:27 से लेकर के प्रातः 7:16 तक बिना किसी संशय का। और दूसरी बात ये भी बता दो उन लोगों को कि रक्षाबंधन का पावन त्योहार जिस दिन पूर्णिमा होता है वह अपने आप में सिद्ध मुहूर्त है, इसलिए किसी भी प्रकार का बिना संशय का सभी लोग, सभी सनातनी एक साथ एकजुट होकर के और एक दिन, क्योंकि हम सब बिखरे हुए हैं और यही व्रत और त्योहार हम सबको एकजुट करता है, हम सभी सनातनी के अंदर एकजुटता लाता है। और सारे व्रत और त्योहार दो दिनों के कारण यह हमारा समाज टूटता चला जा रहा है, बिखरता चला जा रहा है, इसलिए सभी पंचांगकर्ताओं से, ज्योतिषियों से, ब्राह्मणों से और बुद्धिजीवियों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस पे तत्काल कोई निर्णय ले जिससे हमारा जितने व्रत और त्योहार है वह एक दिन सभी सनातनी हर्ष और उल्लास पूर्वक मनाए। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, सैभ्य, वैश्य। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।